चेतक पद से मनोज पांडे ने इस्तीफा दिया है। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। देखिए, राज्यसभा चुनाव को लेकर वोटिंग की प्रक्रिया जारी है और इसी बीच ये बड़ी खबर सामने आ रही है। समाजवादी पार्टी के मुख्य सचेतक के पद से मनोज पांडे ने इस्तीफा दिया है। लखनऊ से ये बड़ी खबर सामने आ रही है। राज्यसभा में वोटिंग से पहले समाजवादी पार्टी को एक और बड़ा झटका। पार्टी के विधानमंडल दल के मुख्य सचेतक मनोज पांडे ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है और मनोज पांडे भी पिछले दो दिनों से देखिए अपनी पार्टी के संपर्क में नहीं थे। मनोज पांडे रायबरेली के ऊंचाहार में समाजवादी पार्टी के विधायक हैं और मनोज पांडे बीजेपी प्रत्याशी को वोट करेंगे। ये बड़ी खबर इस वक्त की सामने आ रही है। सपा के सचेतक के पद से मनोज पांडे ने इस्तीफा दिया है, तो ये बड़ी खबर सामने आ रही है। देखिए, मुख्य सचेतक के पद से मनोज पांडे ने इस्तीफा दिया है। राज्यसभा के चुनाव की वोटिंग से पहले ये बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। समाजवादी पार्टी को ये बड़ा झटका लगा है। सपा के मुख्य सचेतक पद से मनोज पांडे ने इस्तीफा दिया है। लखनऊ से ये बड़ी खबर सामने आ रही है और इसी खबर पर हमारे स्टेटहेड वीरेन सिंह जी हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। वीरेन जी, एक और बड़ा झटका समाजवादी पार्टी को वोटिंग से पहले। बिल्कुल, देखिए, उत्तर प्रदेश में जो राज्यसभा के चुनाव हो रहे हैं उसमें संजय सेठ की जीत अब लगभग तय हो गई है, क्योंकि समाजवादी पार्टी के करीब 7 विधायक टूट चुके हैं और जिसमें अमेठी और रायबरेली में सबसे ज्यादा विधायक टूटे हैं। मनोज पांडे जो पार्टी के 3 बार से विधायक हैं, पहले कैबिनेट मंत्री भी रहे हैं समाजवादी पार्टी सरकार में, उन्होंने आज मुख्य सचेतक पद से इस्तीफा दे दिया है और वो भाजपा के प्रत्याशी को वोट करेंगे। तो उसके बाद गौरीगंज से विधायक हैं राकेश पांडे, राकेश सिंह वो भी तीसरी बार विधायक हैं, उनका भी समाजवादी पार्टी के खिलाफ वोट देने का ऐलान उन्होंने किया है। और अभय सिंह जो फैजाबाद के गोसाईगंज से विधायक हैं, इसके अलावा पूजा पाल मीटिंग में नहीं आई थी। महाराजी देवी अमेठी से गायत्री प्रजापति की जो पत्नी है वो कल रात के डिनर में नहीं आई, पार्टी के संपर्क में नहीं है। मनोज पांडे पिछले 2 दिनों से पार्टी के कार्यक्रम में नहीं आ रहे थे, बहाने बना रहे थे, आज उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। तो ये राज्यसभा के चुनाव में बीजेपी ने बहुत तगड़ी सेंधमारी की है समाजवादी पार्टी के विधायकों में जी। और इससे साफ है कि उनका 8वां प्रत्याशी जीत जाएगा। अब ये देखना है कि जो समाजवादी पार्टी का 3रा प्रत्याशी है वो कौन होता है, कौन हारेगा, जया बच्चन या आलोक रंजन, तो ये अभी शाम तक साफ हो पाएगा। लेकिन भाजपा सरकार में है और भाजपा ने एक बड़ी रणनीति के तहत समाजवादी पार्टी के विधायकों को अपने पाले में किया है और ये चुनाव वो 8 लोकसभा राज्यसभा की सीटें जीत कर वो लोकसभा चुनाव से पहले एक मैसेज देना चाहती है कि विपक्ष कमजोर है और भाजपा के साथ बड़ी संख्या में विधायक जुड़ रहे हैं। हालांकि देखिए, इन विधायकों पर दल बदल का भी जो है नोटिस लाएगी सपा और इसके लिए उनकी सदस्यता जा सकती है, लेकिन ये खतरा मोल लिया है लोगों ने और ये खतरा इसलिए मोल लिया कि बीजेपी ने उन्हें आश्वासन दिया होगा कि आगे वो उन्हें टिकट देगी। तो यूपी में बहुत सारे समीकरण लोकसभा चुनाव से पहले ये बिगड़ और बन रहे हैं, भाजपा इसका पूरा फायदा उठा रही है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका वीरेंद्र जी इस तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, समाजवादी पार्टी को एक बड़ा झटका लगा है। मनोज पांडे ने सपा के मुख्य सचेतक पद से इस्तीफा दे दिया है और बीजेपी के लिए वोट करेंगे मनोज पांडे। तो देखिए, बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि राज्यसभा के चुनाव के लिए मतदान की प्रक्रिया शुरू हो गई है, लेकिन उससे पहले समाजवादी